ऐसा कम ही होता है कि किसी फिल्म का ट्रेलर देखने से ही पता चल जाए कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, मगर ऐसा इस सूरत में होता है जब किसी फिल्म का नाम किसी का भाई किसी की जान हो। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म किसी का भाई किसी की जान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म के फ्लॉप होने की भी गारंटी दी जा सकती है, और इसका यकीन और भी पुख्ता हो जाता है कि जब आपको पता चले कि इस फिल्म का डायरेक्टर फरहाद No. अभी फिल्म की बात तो आगे करते हैं, मगर अगर अभी तक नहीं किया तो पुरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। जब हर तरफ से फ्लॉप फ्लॉप की सदाएं आ रही हो तो सिर्फ एक ही बंदे के अंडों में इतना पानी है कि वह सबके मुंह में डाल सके, मतलब सबका मुंह बंद करवा सके, वो है सलमान खान। इस फिल्म का पहला टीजर अगर आप लोगों ने देखा हो तो ऐसा लगता है जैसे सल्लू किसी शैम्पू का एड कर रहे हो, मगर इसके दूसरे ट्रेलर में कहानी बिल्कुल ही अलग है बॉस। इस फिल्म का ट्रेलर देखने से पहले मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि इस फिल्म को बनाने की उंगल आखिर क्यों हुई, मगर जब ट्रेलर देखा तो सोच शुगल मेला काम हो गया, लगा ही रखो शुगल मेला। अच्छा, मगर हैरान कन बात ये है कि जितना सोचा इससे ज्यादा पाया, मतलब एकदम एक्शन होने वाला है। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि सलमान खान की पठान में एंट्री ने एकदम चार चांद लगा दिए। सलमान खान ने पठान की एंट्री से फायदा उठाया और अपनी ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया, मतलब एक तीर से दो शिकार। देखो भैया, इस फिल्म में एक्शन होने वाला है और इसकी एक झलक आपने देख ली होगी। ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, ये फिल्म तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है, और आजकल तो वैसे ही हिंदी फिल्मों को बीमारी पड़ गई है तमिल फिल्मों को कॉपी करने की। इस फिल्म की कामयाबी का एक सिरा इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रवि को जाता है, जिसने KGF जैसी बड़ी फिल्मों को अपने तख्लीक करदा BGM के जरिए कामयाब बनाया। भैया पैसे वसूल है, अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो इसकी वजह इस फिल्म को खुद बनाने वाले हैं, यानी कि फरहाद साहब। जनाब अक्षय का फ्यूचर तो डुबो चुके हैं, कहीं अब सल्लू भाई भी मैंगो पे ना चढ़ जाए। सलमान खान इस फिल्म में आखिरी उम्मीद की तरह हैं, क्योंकि जिस तरह वो सहरा में बाल खोल के बाइक चला रहे थे, इससे लगता है कि भाई ने आखिरी हद तक कोशिश की है फिल्म हिट हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि क्या होने वाला है, कौन सी फिल्म तोड़ेगी इंडिया सिनेमा का रिकॉर्ड, किसी का भाई किसी की जान या फिर पठान। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो आई होगी पसंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो कर सकते हो करो, वीडियो को शेयर करो। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।